मैं हल्दार चंद्र पांडे पूरे एनएचए कमांडो भोजपुर फिजिकल एकेडमी आपका स्वागत करता हूं। तो जब तक आप अपने लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, सबके लिए एक साथ लड़ोगे तभी आपके कुछ समस्या का समाधान होगा। हमारी बच्चियां पीछे आज जो फॉर्मेट दिया है मैं सबको डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है और आप मेरे से पर्सनली भी ले सकते हैं, व्हाट्सअप करके इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, उसको हम फॉर्मेट भेज देंगे और सबको करना है। बच्ची बताएगी कि इसको कहाँ कहाँ पोस्ट करना है। देखिए क्या है कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मुद्दा एक के लिए नहीं, 18 लाख अभ्यर्थियों में से कम 15 से 16 लाख विद्यार्थी ऐसे है जिनको एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का पता ही नहीं था। जैसे 315 पहले 689 पोस्ट में छटे हैं, वैसे आगे भी आपका ज़्यादा नंबर आ जाएगा। इसलिए इस बात को कैसे रखना है, बिल्कुल ही प्रशासनिक व्यवस्था की तरह रखना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हुड़हंगामा नहीं करना है। अब उसको कार्य लेके हमारी बच्चियां एक कदम आगे बढ़ाई हैं, उस फॉर्मेट को डाल दूंगा और उसी फॉर्मेट में अपना नाम केवल भरना है, आपको कुछ नहीं करना है। इसको फोटोकॉपी निकाल के भी अपना केवल नाम भरना है, केवल अपना एड्रेस भरना है और उसको स्पीड पोस्ट कहाँ करना है बच्ची बताएगी। आप अगर लड़िएगा तो पाइएगा, नहीं लड़िएगा तो बाद में रो रो के कोई फायदा नहीं है। 18 लाख अभ्यर्थियों में 15 से 16 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास एनसीएल और ईडब्ल्यूएस है ही नहीं बैक का, तो बच्ची बताएगी। आइए उसे हम परिचय कराते हैं, क्या कैसे करना है इसको थोड़ा बताइए आप। जो फॉर्मेट से डालेंगे उसको स्पीड पोस्ट करना, अगर जो अभ्यर्थी पटना में है वो जीपीओ पटना से डालें, जो मतलब अदर साइड से जो भी यहाँ के नहीं है, पटना के नहीं, वो अपने अपने पोस्ट ऑफिस से जाकर स्पीड पोस्ट करें, क्योंकि एक का प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सबके साथ ही प्रॉब्लम होने वाला है। जो 689 में हुआ 21,000 में भी वही होगा। आप पहले हम लोग को ऐसा बताया नहीं गया कि आप लोग को ईडब्ल्यूएस एनसीएल बनवाना है, और कोई भी विद्यार्थी 10% ही ऐसे होंगे जो ईडब्ल्यूएस और एनसीएल पहले से बनवा के रखे होंगे, और जो नहीं बनवाए हैं कृपया कर इस जो भी कार्य हो रहा है उसमें सहयोग करिए और अपना अपना स्पीड पोस्ट करिए, नहीं तो फिर रोने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। जैसे हम लोग रो रहे हैं कोई फायदा है, कुछ नहीं है। आप लोग अपना अपना कार्य करिए और स्पीड पोस्ट जल्द से जल्द करिए, जितना संख्या में स्पीड पोस्ट होगा उतने ही हम लोगों के लिए फायदा है। बिल्कुल, और आज तक इतिहास से लड़ने वालों का ही लिखा गया है, घर में बैठने वालों का इतिहास नहीं लिखा गया। मान लीजिए 689 के समय हम लोग लड़े होते तो कुछ इन बच्चियों का भला हो जाता। 689 में जो 315 बच्चे छठे थे, अब उनका क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला उसका। और लड़ाई लड़ा जा रहा है लेकिन कोई उसके आगे नहीं आ रहा है। और अभी अगर आप आगे नहीं आइएगा, बहुत बड़ी वैकेंसी है, 21,391, 18 लाख विद्यार्थी है, तो अभी आप आइए एक कदम। देखिए इन्होंने आज एक कदम बढ़ाया, आज ये पूरी बच्चियां गई थी जीपीओ में जाके और इन्होंने स्पीड पोस्ट किया। आप ही अपने अपने यहाँ से दिए हुए फॉर्मेट पे, मैं फॉर्मेट डाल दूंगा, मेरे पर्सनल नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, मैं उसको ब्लैंक करके अपने कंप्यूटर से ब्लैंक करके छोड़ दूंगा। वहाँ केवल आपको कुछ नहीं करना है, अपना नाम भरना है और अपना एड्रेस भरना और इसको स्पीड पोस्ट कर देना है दिए हुए एड्रेस पे। लड़के और लड़कियां दोनों, हाँ लड़का और लड़की, क्योंकि देखिए संख्या है हमारी, दोनों की संख्या है और दोनों ज्यादा से ज्यादा स्पीड पोस्ट, ऐसा ना करें कि मेरे पास तो है, ठीक है भाई आपके पास है, सबके पास तो नहीं है ना, मेरे पास भी 21,000 वाले के लिए, तो पहले कदम क्यों बढ़ाए, क्योंकि हम सबके साथ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, इस बात को सीरियसली लिया जाए, क्योंकि एक बार जो नियम बन जाता है ना वो हटता नहीं है। अगर ये लग रहा है कि हमारी संख्या ऐसा नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं यार, 21,000 वाले वैकेंसी में भी ऐसा ही होने वाला है। अगर पहले कदम ना उठाया जाए तो अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं। तो बच्चियों ने कदम उठाया और आपने कदम उठाया कि नहीं उठाया ये आप देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में रोइएगा गाइएगा तो कोई सुनने वाला नहीं है। हम और हमारी टीम और बच्चियाँ सारे के सारे मिल के इस मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं। और कल किसके, रोशन आनंद सर के पास, हाँ सर हमारे बहुत समर्थन किए रोशन आनंद सर। 689 में जब हम लोग छठे थे तो कोई सहारा नहीं था, हमारे सर ही सहारा थे, जो किए वही किया हमारे लिए। और आगे सर से बात भी हुआ तो बोले हैं कि हाँ सिग्नेचर आप करवा लीजिएगा बच्चों से। बिल्कुल, तो सारे के सारे बच्चों का एक सिग्नेचर, वो भी कैंपेनिंग भी चलेगा और उस सिग्नेचर कैंपेनिंग को भी हम लोगों ने आगे मुख्यमंत्री के पास इसको सबमिट करना है। तो आप लोग एक कदम बढ़ाइए, हम लोग आपके साथ 9 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं और 10वां कदम मिलेगा तो समाधान अपने आप निकल गया, क्योंकि बाद में रोने से कोई फायदा नहीं बच्चों। अभी आप निकलिए बाहर, घर से बाहर निकलिए, 2 कदम निकालिए और 2 कदम के ऊपर हर घर के गांव आप लोग आराम से स्पीड पोस्ट करिए। उसके बाद अगर कुछ नहीं इस पर निर्णय आता, उसके बाद जो निर्णय होगा, जो करना होगा वो बताया जाएगा, लेकिन अभी स्पीड पोस्ट करना बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी। बिल्कुल, तो चलिए कल से, आज से निकलिए, कल किसने देखा है, आज से निकलिए, अभी से निकलिए और दिए हुए एड्रेस के ऊपर आप स्पीड पोस्ट कीजिए और दिए हुए फॉर्मेट में, ज़्यादा आपको उसमें कुछ नहीं लिखना है, दिए हुए फॉर्मेट पर स्पीड पोस्ट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।